नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो के अंदर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, नेचर ऑफ रूट्स। इस टॉपिक के अंदर हम समझेंगे कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसकी रूट्स का नेचर क्या होता है, किस टाइप की रूट्स होती हैं, रियल होती हैं या अनरियल होती हैं, इक्वल होती हैं या अनइक्वल होती हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो आज के टॉपिक्स कौन से हैं? पहला टॉपिक है हम बात करेंगे नेचर ऑफ रूट्स की, और दूसरे टॉपिक में हम क्या करेंगे, एक्सेस 4.3 की कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जिसकी हेल्प से आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ सकें। तो चलिए हम पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना। जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है नेचर ऑफ रूट्स, आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है नेचर ऑफ रूट्स, रूट्स का नेचर। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, जो कि हमने सेकंड चैप्टर के अंदर पढ़ा था, कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रूट, टोटल रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितनी होती हैं, टोटल रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, टोटल रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितनी होती हैं, टोटल रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ज्यादा से ज्यादा कितनी रूट्स हो सकती हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, दो हो सकती है। हमें पता है कि दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैक्सिमम रूट्स हो सकती हैं। तो आज हम उन्हीं दो रूट्स के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे वो रूट्स रियल हैं या अनरियल हैं, इक्वल हैं या अनइक्वल हैं। तो आज हम इसी बात को समझने की कोशिश करेंगे कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दो रूट्स होती हैं वो रियल होती हैं या अनरियल होती हैं, जिसे हम इमेजिनरी कहते हैं, इक्वल होती हैं या अनइक्वल होती हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आपको पता होनी चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो मैक्सिमम रूट्स होती हैं वो दो होती हैं, दो से ज्यादा नहीं हो सकती। तो चलिए आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं नेचर ऑफ रूट्स का। तो हम क्या जानते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की? स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ये हमने पिछली वीडियो के अंदर स्टडी किया है, जहां हमारे ए बी सी कॉन्स्टेंट्स होते हैं और एक्स हमारा वेरिएबल होता है। तो इस नेचर रूट्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें डिस्क्रिमिनेंट के बारे में पता होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट के बारे में हमें पता होना चाहिए, जिसे हम बेसिकली डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी वैल्यू निकाली जाती है बी का स्क्वायर माइनस फोर ए सी से, जहां बी क्या होता है, ये कॉफिशियंट होता है हमारा एक्स का। ये आपको पता होना चाहिए, बी होता है ये हमारा कॉफिशियंट होता है एक्स का, कॉफिशियंट ऑफ एक्स। जो हमारा ए होता है ये होता है हमारा कॉफिशियंट ऑफ, थोड़ा स्पेलिंग ठीक हो गया ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर, और जो सी होता है हमारा कांस्टेंट होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और साथ ही साथ आपको इस फॉर्मूले के बारे में पता होना चाहिए, यही फॉर्मूला हमें हेल्प करेगा डिस्क्रिमिनेंट ऑफ रूट्स निकालने के लिए। यानी कि डी को हम क्या लिख सकते हैं, डिस्क्रिमिनेंट को हम क्या लिख सकते हैं, बी का स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी का स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ये फॉर्मूला ही हमें हेल्प करेगा नेचर ऑफ रूट्स निकालने के लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स का नेचर क्या है। तो मैं दोबारा लिख देता हूँ फॉर्मूला, इसे डी को हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, इसका फॉर्मूला होता है बी का स्क्वायर माइनस फोर ए सी। इसकी हेल्प से ही हम बताएंगे कि नेचर ऑफ रूट्स क्या सी होती है। तो सबसे पहले इसके तीन कंडीशन होती है, डी या तो जीरो के इक्वल हो सकता है, डी या जीरो से बड़ा हो सकता है, डी जीरो से छोटा हो सकता है। तो फर्स्ट कंडीशन, जहाँ डी जीरो के इक्वल होता है तो जो रूट्स होंगी वो रियल होंगी, जो रूट्स होंगी वो रियल होंगी, और साथ ही साथ रूट्स क्या होंगी, इक्वल रूट्स होंगी, रूट्स रियल होंगी और हमारे पास क्या होंगी, इक्वल रूट्स होंगी, यानी दोनों रूट्स की वैल्यू सेम होगी। दूसरा क्वेश्चन क्या है, डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, सॉरी दूसरा पॉइंट क्या है, डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इसमें क्या होंगी, इसमें भी रूट्स हमारी रियल होंगी परंतु दोनों की दोनों रूट्स अनइक्वल होंगी, यानी कि दोनों रूट्स की वैल्यू अलग अलग होगी, रूट्स की वैल्यू क्या होगी, अलग अलग होगी। तीसरा क्या है, जब डी की वैल्यू लेस देन जीरो है तो रूट्स क्या होंगी हमारी, इमेजिनरी रूट्स होंगी, इमेजिनरी रूट्स होंगी। तो ये तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए, ये डिस्क्रिमिनेंट ही हमें हेल्प करता है नेचर रूट्स को फाइंड आउट करने के लिए। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, डी इज इक्वल टू बी का स्क्वायर माइनस फोर ए सी, जहां बी हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है, ए हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर होता है, सी हमारा कांस्टेंट होता है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या होती है, डी इज इक्वल टू जीरो, सॉरी अगर फर्स्ट कंडीशन डी इज इक्वल टू जीरो सॉल्व करने के बाद हमारे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जीरो आ जाती है, तो रूट्स हमारी क्या होंगी, रूट्स होंगी हमारी रियल और इक्वल रूट्स होंगी। दूसरा अगर डी की वैल्यू
ग्रेटर देन जीरो आ जाती है तो रूट्स क्या होंगी हमारी, रियल होंगी और अनइक्वल होंगी, यानी दोनों रूट्स की वैल्यू अलग अलग होगी। अगर डी की वैल्यू जीरो से कम है तो रूट्स हमारी इमेजिनरी होंगी। ये सब आपको पता होना चाहिए, इन पॉइंट्स को आप अच्छे से याद कर लीजिए, ये आपको बहुत हेल्प करेंगे और फाइनल क्वेश्चन पेपर पे इसका एक दो क्वेश्चन आना कंपलसरी बनता ही है, आ ही जाता है, क्योंकि बहुत ही सिंपल वन नंबर में से क्वेश्चन आ सकता है कि आप बताइए कि नेचर ऑफ रूट्स क्या है। तो अब इसी टॉपिक को, नेचर ऑफ रूट्स को, हम कुछ क्वेश्चंस की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे कि नेचर ऑफ रूट्स कैसे होती है। जो तीन कंडीशन हमने स्टडी की है, तीनों कंडीशन कौन कौन सी, पहली कंडीशन स्टडी की डी इज इक्वल टू जीरो, दूसरी कंडीशन हमने स्टडी की है डी इज ग्रेटर देन जीरो, और तीसरी कंडीशन हमने स्टडी की है डी इज लेस देन जीरो। जब डी इज इक्वल टू जीरो होता है तो रूट्स रियल होती है, हम रूट्स की बात कर रहे हैं बेसिकली। जब d इज इक्वल टू जीरो होता है तो रूट्स रियल होती हैं और इक्वल होती हैं। जब d इज ग्रेटर देन जीरो होता है तब भी रूट्स रियल होती हैं और अनइक्वल होती हैं, मगर अनइक्वल होती हैं, यानी दोनों रूट्स की वैल्यू अलग अलग होती है। और जब d लेस देन जीरो होता है तो रूट्स क्या होती हैं, इमेजिनरी रूट्स होती हैं। इस टेबल को ध्यान से देख लीजिए, इन सभी वैल्यूज को लिख लीजिए। अब इन्हीं वैल्यूज की हेल्प से हम, इन्हीं कंडीशंस की हेल्प से हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि हम समझ सकें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स का नेचर क्या होता है। तो चलिए हम आ चुके हैं क्वेश्चंस पर, ये एक्सरसाइज 4.3 की कुछ क्वेश्चंस हैं, हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम, अगर रियल रूट एग्जिस्ट करती है तो उसे फाइंड कीजिए। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, 2x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, हम करेंगे डिस्क्रिमिनेंट, जिसकी वैल्यू किसके इक्वल है, b का स्क्वायर माइनस 4ac। तो हम b की वैल्यू पुट कर देते हैं, b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे, मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ b की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 2, x का स्क्वायर का ऑप्शन क्या है 2, b की वैल्यू कितनी है माइनस 3, x का ऑप्शन क्या है माइनस 3, और c की वैल्यू कितनी है यहाँ 5। तो इसको यहाँ पुट कर दीजिए, b की वैल्यू माइनस 3 का स्क्वायर पुट कर दीजिए, माइनस 4 a की वैल्यू पुट कर दीजिए और c की वैल्यू पुट कर दीजिए, ये आ जाएगा 3 3 9, माइनस 4 2 8, 5 40, 4 2 8 8 5 40 माइनस 9, अब 40 में से 9 गया जाएगा 31, बड़ा नंबर 40 था इसके माइनस का साइन, तो माइनस का साइन आ गया। अब हम बैक में अगर हम चेक करें d किसके इक्वल है, ध्यान से अगर हम चेक करें d क्या है, माइनस 31 है, यानी d किससे लेस देन 0 है, d लेस देन 0 है, और जब d लेस देन 0 होता है तो रूट्स हमारी क्या होती हैं, इमेजिनरी रूट्स होती हैं, रूट्स हमारी क्या होती हैं, इमेजिनरी। तो हमारे क्या आ जाएगा, रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स क्या है हमारी, इमेजिनरी। जब भी हमें पता होता है कि d लेस देन 0 है तो रूट्स हमारी क्या होती है, इमेजिनरी रूट्स होती है। तो कुछ नहीं करना है आपको, डिस्क्रिमिनेंट के अंदर जो हमारा फॉर्मूला है b का स्क्वायर माइनस 4ac, उसके अंदर वैल्यूज को पुट करना है, b जहाँ कोएफिशिएंट होता है x का, a कोएफिशिएंट होता है x का स्क्वायर का, c हमारा सिंपल कांस्टेंट होता है, वैल्यूज पुट कीजिए और चेक कीजिए d की वैल्यू क्या आ रही है, 0 से बड़ी आ रही है, d 0 के इक्वल आ रही है, 0 से छोटी आ रही है। और उसने कहा था कि अगर रूट्स एग्जिस्ट करती है, रियल रूट्स एग्जिस्ट करती है तो हमें फाइंड भी करना है, तो रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करती है तो हमें फाइंड करने की जरूरत नहीं है। तो अब हम सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं, इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करके देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है, 3x का स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो हमने क्या बताया था, a क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर होता है, b क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x होता है, c हमारा कांस्टेंट होता है। अब हमें नेचर ऑफ रूट्स निकालनी है, तो सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, जिसकी वैल्यू होती है b का स्क्वायर माइनस 4ac। अब b की जगह क्या रखेंगे, माइनस 4√3 का होल स्क्वायर कर देंगे यहाँ से, और माइनस 4a की वैल्यू 3 आ जाएगी, c की वैल्यू 4 आ जाएगी, यानी वैल्यूज फाइंड आउट की, उसे पुट कर दिया। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने पर देखिए क्या आएगा, d इज इक्वल टू d है ये कितना आ जाएगा, 4 4 जा 16 इंटू √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, क्या जाएगा माइनस, इन तीनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 3 जा 12
फोर जा 48, हमारे पास कितना आ जाएगा 48, और इसको हम सॉल्व करेंगे 16 इंटू 3 48 माइनस 48 इक्वल टू 0। अब हम दोबारा कंडीशन चेक करते हैं, डी की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 0 के इक्वल आ गई। चलिए वापस हम टेबल पर चलते हैं, डी की वैल्यू कितनी है, 0 है। डी की वैल्यू कितनी है, 0, यानी कि रूट्स क्या होंगी, रियल और इक्वल होंगी। रूट्स क्या होंगी, रियल और इक्वल। तो अब हमारे पास डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, दोनों की दो रूट्स होंगी वो दोनों रियल होंगी, सॉरी रियल की स्पेलिंग कर लेते हैं, रूट्स क्या होंगी हमारी, रियल होंगी एंड इक्वल, और इक्वल होंगी, रूट्स हमारी रियल होंगी और रूट्स हमारी इक्वल होंगी। तो अब हमें, अब रूट्स रियल हैं तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, फाइंड आउट, अब हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो लास्ट एक्सरसाइज में हमने फैक्टराइजेशन मेथड स्टडी किया था, जिसकी हेल्प से हम रूट्स निकाल सकते हैं, उसी मेथड का यूज करके हम रूट्स निकालेंगे, नहीं तो हमारे पास एक दूसरा मेथड होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला का, जिसकी हेल्प से भी आप निकाल सकते हैं। तो अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला की बात कर लेते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला एक बहुत सिंपल मेथड है, जिसकी हेल्प से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की रूट्स निकाल सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब देखिए क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है, सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं, वो क्या होती है, ए एक्स का स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला, अब हम क्या जानते हैं, दो रूट्स होती हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, एक रूट का मैक्सिमम मान लेते हैं, उसको हम कैसे निकालते हैं, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, ठीक है ना, एक रूट निकालने का तरीका ये होता है। और हम क्या जानते हैं, ये बी का स्क्वायर माइनस फोर ए सी क्या है, ये हमारा डी होता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस अंडर रूट डी अपॉन टू ए। हम जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दो रूट्स होती हैं, तो इसकी दूसरी रूट कैसे निकाली जाती है, एक्स टू आ जाएगा माइनस बी प्लस, सॉरी यहाँ माइनस आ जाएगा, फर्स्ट में प्लस है तो दूसरे में आ जाएगा माइनस बी का स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है जो आपने स्टडी किया है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन टू ए, ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। इन रूट्स को हम बेसिकली हम कैसे लिख सकते हैं, अल्फा बीटा में लिख सकते हैं, अल्फा की वैल्यू होती है माइनस बी प्लस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, और बीटा की वैल्यू होती है हमारे पास माइनस बी माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। इन दोनों क्वाड्रेटिक फार्मूला के हेल्प से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स निकाल सकते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या था, इसको ध्यान, इन फॉर्मूला को नोट डाउन कर लीजिए, ताकि आप इनकी हेल्प से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। तो अब हम अपने क्वेश्चंस पे जाते हैं, क्वेश्चन क्या था हमारा, कि हमें रूट्स निकालनी है, हमारे पास क्वेश्चन था अंडर रूट, हमारे पास क्वेश्चन था 3x का स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4, ये हमारे पास क्वेश्चन था, इसकी हमें रूट्स निकालनी है, क्योंकि डी की वैल्यू जीरो आ गई थी, रूट्स रियल है इक्वल है, तो हमें इसके रूट्स निकालनी है। तो हम रूट्स निकालेंगे, हमारे पास क्या आ गया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x का स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0, इसके हमें रूट्स निकालनी है। तो सबसे पहले रूट्स क्या होती है, सबसे पहले हमें पता है डी की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो अब हम इसकी रूट्स निकालेंगे, अल्फा रूट निकालेंगे एक्स वन, जो भी आप कहना चाहते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। अब हम क्या जानते हैं, ये किसके इक्वल होता है, माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन टू ए, तो वैल्यूज पुट कर दीजिए, बी की क्या है, बी क्या है हमारा, कोफिशियंट ऑफ एक्स है, कोफिशियंट ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, माइनस फोर अंडर रूट थ्री, डी की वैल्यू क्या है, अंडर रूट जीरो टू, ए की वैल्यू कितनी है, थ्री, इसको पुट करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस किया जाएगा 4 अंडर रूट 3 है, 0 का 0 आ जाएगा अपॉन 2 3 जा 6, तो हमारे पास पहली रूट आ गई 4 अंडर रूट 3 अपॉन 6, हमें कुछ नहीं करना है, जो हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला था उसके अंदर हमने वैल्यूज पुट की। अब हम अपने सेकंड उस पे जाते हैं, सेकंड में क्या था हमारे पास, बीटा इसकी वैल्यू कितनी थी, माइनस बी अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4 ए सी अपॉन 2 ए,
जहां इसको हम क्या लिख सकते थे, माइनस अंडर रूट डी अपॉन टू ए। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम बी की वैल्यू रख सकते हैं, बी की माइनस, बी की वैल्यू में पता है कितनी है, बी की वैल्यू में पता है ये है माइनस फोर अंडर रूट थ्री, डी की वैल्यू में पता है अंडर रूट डी ए जीरो आ जाएगा, और ए की वैल्यू में पता है टू इंटू थ्री, इसकी वैल्यू चेक कर लीजिए, थ्री है ए की वैल्यू, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा फोर अंडर रूट थ्री अपॉन सिक्स। तो देखिए ये आप हमारी, ये हमारी दूसरी रूट थी और ये हमारी पहली रूट थी, दोनों की दोनों रूट्स इक्वल हैं। और हमारा जो कंडीशन थी कि डी जब भी जीरो होगा, डी जब भी जीरो होगा तो रूट्स क्या होंगी, रियल और रियल और इक्वल, जब भी डी जीरो होगा तो रूट्स क्या होंगी, रियल और इक्वल, वो हमने यहाँ प्रूव कर दिया। पहली रूट है फोर अंडर रूट थ्री अपॉन सिक्स और दूसरी रूट भी है हमारे पास फोर अंडर रूट थ्री अपॉन सिक्स। तो इस तरह से आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प से क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स निकाल सकते हैं। दोबारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिख देता हूँ, जो फर्स्ट रूट होता है वो निकाली जाती है माइनस बी प्लस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। और दूसरी रूट निकाली जाती है कैसे, कुछ नहीं होता, सिर्फ बीच वाला साइन चेंज हो जाता है, जाता है माइनस बी, माइनस प्लस की जगह माइनस आता है, माइनस बी का स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, जहाँ हमारे पास बी क्या होता है, ये होता है हमारे पास कॉफिशियंट ऑफ एक्स, जो हमारे पास एक्स होता है स्टैंडर्ड इक्वेशन में उसका कॉफिशियंट होता है, ए हमारे पास होता है कॉफिशियंट ऑफ एक्स का स्क्वायर और सी हमारे पास होता है कॉन्स्टेंट। इस फॉर्मूले को अच्छे से लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए और याद कर लीजिए, इसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और इसकी हेल्प से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकाल सकते हैं। तो यहां तक अगर आपको कोई भी क्वेरी या डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन और हम करके देखते हैं, ये सेकंड का पार्ट करके देखते हैं, क्वेश्चन को पढ़िए। फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। क्या बोला उसने कि दो रूट्स इक्वल होंगी, दो रूट्स इक्वल होंगे, दो रूट्स इक्वल कब होती हैं, आपको पता है जब d की वैल्यू जीरो के ऊपर होती है तो दो रूट्स इक्वल होती हैं, और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, k की। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए, फर्स्ट में क्या है, 2x का स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। उसने बोला है कि रूट्स रियल है, रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल, रूट्स क्या है, रियल है, रियल है, तो सो हमारे पास क्या हो जाएगा, डी जो किसके इक्वल है, बी का स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है, तो हम बी की वैल्यू पुट करेंगे, बी की वैल्यू क्या है, के, ये आ जाएगा के का स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है टू, सी की वैल्यू है थ्री, ये सब किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है, तो ये आ जाएगा के का स्क्वायर माइनस थ्री टू सिक्स ट्वेंटी फोर इक्वल टू जीरो। अगर आप इसे आगे सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, के का स्क्वायर इक्वल टू 24, के की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 24, तो के की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट 24, दोनों में से कोई भी एक वैल्यू के की हो सकती है। तो इस तरह से आपने निकालना है, आपको कंडीशन ध्यान में रखनी है, कंडीशन से क्या दी की थी कि रूट्स रियल है और इक्वल है, अगर रूट्स रियल और इक्वल है तो डी की वैल्यू कितनी होती है, जीरो के इक्वल होती है। अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी करके देख लेते हैं, इसको अच्छे से आपको समझ में आएगा। के एक्स एक्स माइनस टू प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो, हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब उसने क्या बोला है कि जो रूट्स हैं टू इक्वल रूट्स हैं, इक्वल रूट्स हैं यानी डी मस्ट बी इक्वल टू जीरो, डी की वैल्यू किसके इक्वल है, बी का स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो। अब हम बी की वैल्यू पुट कर देते हैं, बी की वैल्यू कितनी है, हमें इसको सॉल्व करके देखना पड़ेगा, इसको हमें सॉल्व करके देख लेते हैं, आता है के एक्स का स्क्वायर माइनस टू के एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, टू के माइनस टू के आ जाएगा, माइनस टू के का होल का स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी आ गई, के आ गई, सी की वैल्यू हम चेक करेंगे तो कितना आ गया, सिक्स आ गया इक्वल टू जीरो, तो ये आ जाएगा टू टू जो फोर के का स्क्वायर आ जाएगा माइनस सिक्स फोर जो ट्वेंटी फोर के इक्वल टू जीरो। देखा, सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन में इस ब्रैकेट को सॉल्व किया, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया, वहां से
की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, पुट की, तो हमारे पास सी आ गया। हम यहाँ से क्या ले सकते हैं, हम फोर की कॉमन ले सकते हैं, फोर की क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो हमारे पास क्या रहेगा, के माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो। और यहाँ से हम फोर के को भी जीरो के इक्वल पुट कर सकते हैं और के माइनस सिक्स को भी जीरो के इक्वल पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से आ जाएगी के की वैल्यू क्या आ जाएगी, के की वैल्यू आ जाएगी जीरो, या आ जाएगी के की वैल्यू सिक्स। के की वैल्यू जीरो और सिक्स दोनों में से कोई भी एक आ सकती है। तो इस तरह से आप नेचर ऑफ रूट्स की क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको नेचर ऑफ रूट के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए नेचर ऑफ रूट्स के, अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, नेचर ऑफ रूट्स के अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दो रूट्स होती हैं मैक्सिमम, और नेचर ऑफ रूट्स डिपेंड करता है डिस्क्रिमिनेंट पर। डिस्क्रिमिनेंट जिसको हम लिखते हैं बी का स्क्वायर माइनस फोर ए सी। बी कोफिशिएंट होता है एक्स एक्स का, ए कोफिशिएंट होता है एक्स का स्क्वायर का, सी कोफिशिएंट सी होता है हमारा कॉन्स्टेंट। अगर डी जीरो के इक्वल है तो रूट्स होती है हमारी रियल और इक्वल, दोनों की दोनों रूट्स रियल होंगी और इक्वल होंगी, बराबर होंगी। अगर डी लेस देन ग्रेटर देन जीरो है तो रूट्स क्या होंगी हमारी, रियल होंगी और क्या होंगी, अनइक्वल, दोनों की वैल्यू अलग अलग होगी। और तीसरा क्या है, अगर डी लेस देन जीरो है तो रूट्स हमारी इमेजिनरी होंगी, वो ना तो रियल होंगी ना अनइक्वल होंगी, ना ना इक्वल होंगी, इमेजिनरी रूट्स होंगी हमारी, जिन्हें हम ग्राफ पे प्लॉट नहीं कर सकते। तो ये था हमारा नेचर ऑफ रूट्स। इसके साथ ही हमने आज स्टडी किया है क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला एक सिंपल फार्मूला है जिसकी हेल्प से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का की रूट्स निकाल सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है हमारे पास, इसको बेसिकली में दो रूट्स होती है अल्फा और बीटा, दोनों का फर्स्ट पार्ट सेम है, माइनस बी, उसके बाद चेंज है अल्फा वाले में प्लस आता है, बी का स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, और जो हमारा बीटा इसमें आता है माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। शॉर्ट फॉर्म में हम जानते हैं किसके इक्वल है, डिस्क्रिमिनेंट के इक्वल है, तो आ जाएगा माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन टू ए। इसी तरह से जो हमारी दूसरी रूट है वो चेंज हो जाएगी माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन टू ए। तो आज हमने पढ़ा डिस्क्रिमिनेंट के बारे में, नेचर रूट्स के बारे में, नेचर रूट्स को फाइंड आउट करने डिस्क्रिमिनेंट हेल्प करता है। दूसरा हमने पढ़ा क्वाड्रेटिक फार्मूला के बारे में, क्वाड्रेटिक फार्मूला हमें किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स निकालने में मदद करता है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी क्वेरी या डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को भी शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।